नहीं खाने मुझे दवाई। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, कहा ना मैंने तुम जाओ। जानवी कहाँ है? हाँ जानवी को बुलाओ, नहीं खाने मुझे। सुना नहीं दिया, कान में मैल जम गया क्या? नहीं खाने मुझे दवाई, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। बहुत गुस्सा है ना आप मुझसे? ये लीजिए, जितना गुस्सा निकालना है आप निकाल लीजिए, पर मैं आपको दवाई खिलाकर ही जाऊंगी। दो क्यों? हाँ जानवी मुझे सिर्फ एक दवाई देती है, नहीं खानी मुझे, दो दवाई नहीं। आपको आज दो की जरूरत है मम्मी, डॉक्टर ने कहा है, प्लीज खा लीजिए प्लीज। बच गए 12। नैनीताल से ग्वालियर बहुत दूर है, सही कहा ना मैंने? मिस पूजा शर्मा, यही नाम है ना तुम्हारा? जानवी मित्तल, यही नाम है ना तुम्हारा? नैनीताल से नैनीताल से ग्वालियर बहुत दूर, सही गाना सही गाना मैं जानवी नैनीताल से ग्वालियर, यही नाम है ना तुम्हारा? नैनीताल से ग्वालियर, यही नाम है ना तुम्हारा? जानवी नैनीताल से ग्वालियर, यही नाम है ना तुम्हारा? नैनीताल से ग्वालियर, यही नाम है ना तुम्हारा? इस पूजा सही गाना मैं नहीं मित्तल। टी टी क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। काव्या ने उस बुढ़ी को दवाई के दो टैबलेट्स दे दिए, आरा भी बच चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। अब जल्दी है दी, फटाफट, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। यस। एंड देयर इज नो डाउट हाउ वेल इंटेंडेड, हाउ प्रोग्रेसिव मैन मेरे डैड मिस्टर पी के मित्तल। कबीर, जी ध्रुव भैया ने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, आई टोटली अग्री ऑन दैट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जानवी मित्तल है, मैं इस घर की बड़ी बहू। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि पापा पे जो भी एलिगेशंस लगे हैं सब फेक है, बेसलेस है। इनफैक्ट काव्या खुद यहाँ पे है, आप काव्या से ही पूछ सकते हैं, वो आपको खुद बताएगी कि ऐसी कोई विधवा पूजा नहीं हुई थी। आप ही बताइए, जिस घर में इतनी औरतें हैं वहां के हेड ऑफ द फैमिली औरतों के बारे में ऐसे विचार कैसे रख सकते हैं? Excuse me. मैम आप इतना अच्छा बोलती हैं, आपके इतने अच्छे विचार हैं, तो आप मेहर के लिए इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेती? थैंक यू सो मच, यू आर वेरी काइंड, बट बिलीव मी मेरे मन में मेयर बनने की कोई इच्छा नहीं है। और शहर और समाज की भलाई की जो भावना मेरे पापा के अंदर है, आई थिंक वो किसी में नहीं है। बचाओ, बचाओ!
अमित बचाओ, बचाओ। भाभी ने मेरे सिर में ये दे मारा। भाभी, भाभी के ऊपर आधा टाइम आ गया। भाभी, भाभी मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। मम्मी, मम्मी मुझे मार डालेगी। मम्मी को क्या हो गया? ये सब क्या तमाशा चल रहा है मेरे घर में? ये कौन लोग हैं मेरे घर में? हाँ, निकल जाओ। ये क्या मजमा लगा के रखा है? हाँ, निकल जाओ। काव्या, अब मैं कह रही हूँ निकल जाओ, निकल यहाँ से। अब मैं कह रही हूँ निकल जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। क्या कर रखा है मेरे घर का? निकलो, हट जाओ यहाँ से। और तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये चोर है, डाकू है, मेरा सारा लॉन खराब कर दिया। हाँ, और ये क्या मजमा लगा के रखा है? क्या दाम चाम फैला के रखा है ये? हाँ, जा, तेरा बाप पागल आदमी है, पागल है वो। उसके कारण इतने सारे लोग मर गए, उसने हमारी कंपनी का नाम खराब कर दिया। तेरे बाप को मार मार के उसे पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। निकल, निकल, निकल। पानी, अरे मुझे शांत होना चाहिए। ये देख, ये मेरी फोटो खींच रहा है। हाँ, तू मेरी फोटो खींच रहा है। जाओ आगे। निकल, निकल आ जाएगी। मम्मी, मम्मी मेरी तरफ देखिए। मैं आपकी जान भी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी की तरफ से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। रियली वेरी सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड। आई एम सॉरी। ये मेरी वाइफ सुमन है। दिमागी हालत ठीक नहीं है इसकी। She's not mentally okay. सुमन तुम ठीक हो ना? वो क्या है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से मैं बहुत बिजी रहा। मैंने सुमन को वक्त ही नहीं दिया तो वो ट्रिगर हो गई और वायलेंट हो गई। बट I'm sorry सुमन, मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया। I'm so sorry. I'm sorry guys. पुट्ठा बहुत कांडी है। वाइफ की बीमारी को यूज कर रहा है सिंपथी बटोरने के लिए। देख रहे हैं आप लोग, मित्तल साहब को अपनी फैमिली की और अपनी बीवी की कितनी फिक्र है। उनकी तकलीफ से उन्हें तकलीफ होती है। ऐसे लविंग, केयरिंग और फैमिली मैन पर आप ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि वो औरतों की इज्जत नहीं करते, उनके साथ सेकंड क्लास ट्रीटमेंट करते हैं। ये सारे एलिगेशंस फॉल्स और बेसलेस हैं। मैं जानती हूं, मैं जो कहने जा रही हूं उससे पापा बहुत गुस्सा होंगे, पर मेरा ये सबसे कहना बहुत जरूरी है। इंदौर के आउटस्कर्ट्स में
मिस्टर पीके मित्तल के पास 200 एकड़ जमीन है। द लैंड दैट ही ओन्स, वो पूरी जगह पापा ने चैरिटी में देने का डिसीजन लिया है। जानवी, पापा, आई हैव टू डू दिस, प्लीज। विधवाओं और बेघर औरतों के लिए वहां एक आश्रम बनेगा। ऐसी औरतें जिनके सर पे आज भी छत नहीं है, वो आराम से और सर उठा के वहां जी सके। आई एम सॉरी पापा, बट आई हैड टू डू दिस। एक्चुअली पापा ये चैरिटी चुपचाप करना चाहते थे, बिना किसी मीडिया अटेंशन के या बिना फ्लॉन्टिंग के। पर अब आप सब ये जान ही चुके हैं, तो मैं फर्दर डिटेल्स भी दे देती हूँ। इस आश्रम का भूमि पूजन कल हो रहा है। यॉल आर इन्वाइटेड, प्लीज आप खुद आइए और देखिए। अब इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप सबको लगता है दैट पीके मित्तल doesn't treat widows and women right, then I'm sorry. I'm sorry, Papa. मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते थे कि सबको भूमि पूजन के बारे में या आश्रम के बारे में पता चले, बट मुझसे रहा नहीं गया। It's okay. इसीलिए मैंने कह दिया। पापा, मैं जानती हूँ आप मम्मी की हेल्थ को लेकर बहुत वरिड हैं। पागलों की चिंता सिर्फ पागल करते हैं। मुझे सुमन की फिक्र नहीं है। I am worried about my land. 200 acres. You just throw it away. बिना मुझसे पूछे मीडिया के सामने तुमने ये अनाउंसमेंट कैसे कर दी? How could you do this? इतनी बड़ी जमीन, you know what I was planning over there? A high-tech hospital. Such a fantastic business opportunity. Gone. 200 acre land gone for what? Some nonsense. Vidwa ashram. PK, सोचो, जानवी ने जो किया बिल्कुल सही किया। इससे तुम्हारी इमेज को जो फायदा होगा वो तुम्हें मेयर इलेक्शन में दिखेगा, और इलेक्शन जीतने के बाद उससे जो फायदा होगा वो तुम्हारे वो हाईटेक हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। राइट, actually you're right. It's a master stroke. बहुत आगे की सोचते हो तुम जानवी। I'm sorry. I didn't catch up with you. अब ये विधवा आश्रम मेरे इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा। अरे वो पॉलिटिशियन ही क्या जो प्रॉमिस करके बोलने की आड़ ना रखे। इलेक्शन तक ये आश्रम वाली बात रोज हैमर करूं। फिर इलेक्शन के बाद कौन सा आश्रम कैसा आश्रम। लाइफ गोज ऑन। वैसे भी यहाँ 5 वर्षीय योजना होती है। 5 साल के बाद किसे क्या याद रहता है। चलिए तुम भूमि पूजा की तैयारी करो। शहर का हर मीडिया उस पूजा में होना चाहिए। लोगों के दिमाग से वो विधवा पूजा की इमेज हटाकर ये भूमि पूजा की पिक्चर चिपक जानी चाहिए। परफेक्ट पीके, परफेक्ट। उस विधवा वीडियो क्लिप की वजह से तुम्हारी कैंपेन जो डिरेल हुई है
वो इससे पटरी पे वापस आ जाएगी। राइट, आई सी यू टुमारो। वेल प्लेड जानवी। थैंक यू। लेकिन एक बात बताओ, सुमन के सर पर वो पागलपन का दौरा कैसे चढ़ा? इससे पहले ऐसे पागलपन का दौरा तो कभी नहीं आया था। आई होप यू गिविंग हर द मेडिसिंस। जी पापा, मैं ही मम्मी को दवाई देती हूँ। बट आज वंस मैंने मम्मी को दवाई नहीं दी थी। इसका मतलब है दवाई किसी और ने दी है। धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सीचे सौ घड़ा, शुतु आवे फल होए। धीरे धीरे रे मना। भाभी ने तो मेरी खोपड़ी खोल के रख दी, बिल्कुल तरबूज टाइप्स। भाभी के ऊपर ना, भाभी के ऊपर ना जरूर किसी चुड़ैल का साया है, बिल्कुल मंजुलिका टाइप्स। चंदा प्लीज शांत हो जाओ। भाई माँ की तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और इतने सालों में मुझे किसी ने बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? भाई एक फोन करते थे क्या, मैं जरूरी नहीं था? सुमन को दवाई किसने दी? मैं पूछ रहा हूं, सुमन को दवाइयां किसने दी थी? कोई जवाब देगा? भाई साहब, मैंने दी। मैंने दवाई दी थी, मैंने ही जानवी भाभी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मम्मी को दवाई देने दे। वो पापा एक्चुअली मैं प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।